जल्दी कर लो, टाइम खत्म होने वाला है, बुक कर लिया, घर जाके अभी सैरी भी कर ली। को दिखाने लगाऊ ना, दिल थाम के बैठिएगा जरा। ओए होए 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 होए, आप जरा ना ये चेक करें। विकास भाई ने जो है ना वो बिस्मिल्ला पढ़ ली है, फ्रूट चाट है, सैलड है। ये मेहरबान कदरदान, मैं हूँ आपका होस्ट उबैदुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। पिछली जो सैरी थी ना वो हमारी काफ़ी सारी हैवी थी, लेकिन वो पराठों के साथ देसी किस्म की थी। तो आज हमें एक हैवी किस्म की सैरी के लिए जो है जगह हमने जो चूज़ की है ना वो है उबान रेस्टोरेंट। इनके ज़रा मेन्यू जो है ना बहुत ही रिच किस्म का मेन्यू था, तो हमने कहा कि आज यहाँ पर जो है ना एक हैवी सीन बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनके मेन्यू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से हमने इसको चूज़ किया वो था एक रूफ टॉप। जो ये रमज़ान का मौसम, सहरी और सुबह का टाइम और रूफ टॉप, उसको जो है ना ये आप एम्बिशियस को नहीं भूल सकते। और यहाँ पे जो इनका टेस्ट है ना उसके लिए जितनी रिकमेंडेशन हमें आई थी ना उसके बाद हमें कोई और जगह पसंद नहीं आई। तो आज ट्राई करते हैं, इनका टेस्ट दिखाते हैं, सबसे पहले इनका मेन्यू दिखाते हैं, इनके मेन्यू में क्या क्या कुछ आ गए। ये जहाँ पे सबसे मज़े का सीन है ना वो ये लाइव पूड़ी है, पराठे हैं, और पठूरे भी यहीं पे बना रहे हैं आप, पठूरे भी यहीं पे बना रहे हैं। सुबह सुबह पठूरे भी अगर आपको मिल जाए तो यार इसके अलावा आपको और क्या चाहिए। आपको माल्टे का जूस है, ये स्कंजवी है, यहाँ पे आपको ग्लास, और यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं ये आलू बुखारे की चटनी, ये पता नहीं कौन सी चटनी है, देखनी पड़ेगी जी। आलू बुखारे की चटनी आप ज़रा ये चेक करें, आलू बुखारा, ये मीठी चटनी होगी, ये अचार है, रायता है, और ये भी कोई मीठी चटनी है, ये सादा दही भी रखा हुआ है, ब्रेड्स आ गई उसके साथ जो, ये भी ब्रेड है, फ्रूट है, उसमें आपको मिल जाएगा वाटरमेलन जिसको तरबूज बोलते हैं, फ्रूट चाट है, सैलड है, ये वाली कौन सी चाट होती है यार, इसको कौन से बीन्स बोलते हैं, ये वो आ गई चाट आपकी, ये वो वाली चाट आ गई, इसको पता नहीं कौन से बीन्स बोलते हैं आपकी, और उसके साथ ही आपके जो है वो चना चाट आ गई, और ये जो है वो आपकी वेजिटेबल सैलड आ गया, क्योंकि मज़े का लग रहा है ये भी, और ये आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ इतना कुछ उबान होटल में। आपको ये सारा मेन्यू नज़र आएगा, मैं एक एक करके आपको मेन्यू विज़िट करवाता हूँ कि मेन्यू के अंदर है क्या क्या कुछ, और यहाँ से शुरू करते हैं। ये वेजिटेबल कटलस है, वेजिटेबल कटलस, और इनके साथ ये शकूसा, पता नहीं क्या चीज़ है यार, बहरहाल अंडे हाफ फ्राई और साथ में कोई सॉस है। उसके बाद दूसरी चीज़ है ये टोस्ट और पैन केक है, फ्रेंच टोस्ट है, स्टीम वेजिटेबल, बड़ी बिलाल भाई आपकी डाइट, और पठूरे, और ये पठूरे हैं, पठूरे की पहचान थोड़ी सी ये होती है कि पठूरे गरम गरम, मैं कह रहा हूँ कि हाथ नहीं लग रहा यार, कि पठूरे और ये पूड़ी साथ में, पूड़ी भी गरम गरम अभी आपको लाइव दिखाई है, लाइव लग रही है, पराठे भी लाइव लग रहे हैं अभी आ रहे हैं वहाँ से, ये नान, सादा रोटी, ये नान, आलू वाला नान, और ये गार्लिक नान, और उसके बाद आगे आपको एक चीज़ें शुरू हो जाती हैं, सालन, ये चेक करें ज़रा, गरम गरम जो है वो मोस्ट फेवरेट कास भाई की गुड़ वाले चावल, और उसके बाद ये आ जाता है आपका दलिया, मैं खुद ही हाथ में आके खोल रहा हूँ, ठीक नहीं है, हाँ खुद ही करूँ, और ये आ गया सूजी वाला हलवा, जो कि चेक करते हैं क्या है, ये चिकन कीमा, चिकन का कीमा, और ये आ गया जी चने, चने, और ये आ गया जी चिकन कीमा, और ये आ गया सूजी का हलवा, सूजी का हलवा, और ये आ गया दलिया। अभी जो है वो मैं आपको एक चीज़ जो यहाँ पे एक स्पेशल सी चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ वो ये है, ये हो गलत खुल गया, गलत पटारी खुल गई थी, ये चेक करें ज़रा, ख़त्म हो चुका है साग और मकई की रोटी। मकई की रोटी जो है वो खस्ता सी है, वरना घर वाली जो है वो थोड़ी सी नरम होती है। यहाँ पर आ जाएगा आपको ज़ीरा, आलू ज़ीरा, और उसके साथ आलू अंडे हैं, या वो मिक्स सब्ज़ी है, आलू अंडे हैं वैसे, ये
बहुत ही अहम एक मज़े की डिश जिसको बोलते हैं चिकन निहारी। आप ज़रा इसके अंदर जो है ना वो चेक करें कि ये तरी का क्वांटिटी तरी किस तरह है, और ये ज़रा चेक करें, ये हो गया। और अभी जब मैं आपको दिखाने लगाऊँ ना, दिल थाम के बैठिएगा ज़रा। ओए होए 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 होए, आप ज़रा ना ये चेक करें। ओए होए होए होए, बीफ बोंग। यहाँ से जो है ना वो प्लेट उठा के शुरू करने लगते हैं ना, जो सबसे मज़े की चीज़ है, सबसे मज़े का पैगाम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ना कि आप अपना खाना ख़त्म करें, वो मुझे ये यहाँ पे अच्छा लगा। का टाइम चूँकि कम रह गया है, तो बहुत सारी डिशेज हमने ट्राई करनी है, तो सोचा कि हम साथ साथ ट्राई भी करते जाएँ और साथ साथ आपको रिव्यू भी देते जाएँ। तो सबसे पहले ये कीमा है, और कीमे के साथ मैंने चने भी साथ ही डाल लिए हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें ट्राई करके आपको बता दी जाएँ। तो पहले देखते हैं कीमा कैसा बनाया। बिस्मिल्लाह। एक चीज़ है कि जो देसी फूड होती है ना, वो देसी ही होती है। लाइक यही कीमा अगर किसी देसी ढाबे पे या देसी जो नॉर्मल मतलब बाज़ारों में होटल वगैरह बने होते हैं उधर होता, तो उधर कुछ स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं इसमें, क्योंकि ये अब एक कॉन्टिनेंटल होटल है, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, तो उधर उस हिसाब से जो है ना वो थोड़े मसाले जो है ना वो थोड़े कम ही है, लाइट लाइट चीज़ें हैं खाने में। ओवरऑल टेस्ट गुड है, लेकिन जो है ना मतलब जो कि अगर बहुत ज़्यादा फूडी बनता है ना, जिसको ज़्यादा स्पाइस पसंद है उसको शायद पसंद ना आए, लेकिन ये है कि ठीक है, टेस्ट इसका बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। मेरा ख्याल में आपकी ज़िंदगी जो है ना वो फीकी फीकी सी लगती है, तो बहुत सारी मीठी चीज़ें हैं जैसे खीर है, ठीक है, कस्टर्ड वगैरह है जो चलता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो गुड़ वाले चावल हैं। और इधर एक इस तरह के मतलब रेस्टोरेंट में मुझे ये मेरी फेवरेट डिश मिल रही है, तो मैं तो बस अब इसको, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी इसको ट्राई करा है। दिखाओ ज़रा। हाँ हाँ ठीक है, जब हम थोड़ा कॉन्टिनेंटल ट्राई करने लगे हैं, ये है पैन केक, तो इसको ट्राई करते हैं ये कैसा है। लस्सी मेरा ख़राब होता है, आलू के यार वो ले जाएगा, आलू ले जाएगा जो कुछ भी, आलू ने कटलस को लेना शुरू हो यार। सीन ये है कि मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, मैंने तो शुरू कर दिया था, और जो टेस्ट है उसकी टेंडरनेस है ना, वो आपको खा भी नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता। यहाँ पे सीन सबका म्यूजिक है, साथ में जो अखबार में खान है वो अखीर किस्म का जो है वो स्पाइस खास भी कह रहे हैं, उसके अंदर की स्पाइस का मेरे को जो ये फोन है उसके अंदर स्पाइसेस जो है ना वो अल्टीमेट लेवल में है, अभी लेवल में है, जो आपके यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाएगा। जो क्रिस्पी है ना वो बड़े ज़बरदस्त होने में, तो मैं ट्राई करा था, साथ में खास भी जो कि सॉस डाल के आए, मैंने वो सॉस के साथ ट्राई किया, बहुत मज़े गया।
यहीं से शुरू करते हैं। ये ताज़ा ताज़ा जो है ना वो आया है भोंग। मेरा ख्याल है कि शुक्रिया यार, थैंक यू फॉर टाइम। ये ले जाए तो ये देखिए यहाँ साहब को बैठ भाई जो है ना वो देखिए, और साथ ही आप समझ सकते हैं बेहतर उनको इनकी तरफ देखिए और इसकी तरफ देखिए तो आपको कमीशन समझ आएगा। और काश भाई ताड़ी प्लेट ना ऐप आके देनी चाहिए थी, लेकिन चलो ये तो उबैद भाई ने ये अपनी लिए डिसाइड कर लिया है। तो इस नली में से ना अब उबैद भाई स्ट्रा के जरिए जो है ना वो इसकी चेक करेंगे फिलिंग में है तो वो भी हम आपको खाने वास्ते ना जंगली होना पैंता है यार। खाने का मज़ा बहुत आना है यार, खाने का मज़ा बहुत आना है। नली पड़ी हुई है, खाने का मज़ा बहुत आना है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमें जो है वो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप में हम किस तरह की वीडियो बनाएं, किस तरह का जो है वो स्टाइल रखें। और